हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको फिजिक्स टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रिक्शंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में घर्षण कहते हैं। तो घर्षण क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी पॉइंट है सभी को हम आपको बहुत ही टिक वे में समझाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रिक्शंस। पहले बताएंगे आपको कि घर्षण क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, घर्षण को हम सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं कि अगर कोई वस्तु किसी सतह पर रखी है, जैसे ये बुक है, यह बुक अगर हम अपने इस सतह पर, हाथ के सतह पर रखे हैं, तो देखिए इस बुक का सतह, इस हाथ के सतह के बीच में जो गैपिंग है जिस पे यह सटी हुई है, इसी पे एक बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो सर की डिफिनेशन हो गई, छोटी सी डिफिनेशन थी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि घर्षण जो हमारा होता है, फ्रिक्शन जो होता है, यह एक प्रकार का फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है, उसको हम बल कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि घर्षण किसे कहेंगे। कोई भी सतह किसी सतह पर रखी है, तो सतह जो वस्तु है उसकी सतह और जिस सतह पर रखी है उसके कॉन्टेक्ट में जो गैपिंग है, उसमें जो बल कार्य करता है, उसको हम फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण कहते हैं। अब आपको हम समझा रहे हैं कि जो घर्षण की दिशा होती है, छोटे छोटे पॉइंट है, किसको समझते चलिए, बहुत ही आराम से सभी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, जो इसकी दिशा है, घर्षण की जो दिशा होती है वो हमेशा विपरीत होती है। हम कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी है ये, और इस पर हम यहाँ से बल लगा रहे हैं, और इसकी जो दिशा है, देखिए बल की दिशा इधर है, और जो इसके कॉन्टेक्ट में जो इसका फ्रिक्शन होगा, इस हमारे से डिनोट करते हैं इसको, यह इसके विपरीत होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो घर्षण की दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। घर्षण की जो दिशा होती है विपरीत होती है। अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन हमारा कहाँ लगेगा, अपोजिट दिशा में लगेगा। तो इसकी दिशा ध्यान रखिएगा विपरीत होती है। वर्क के समय जो फ्रिक्शन होता है, अगर कोई आप कार्य करते हैं वहां पर जो घर्षण होता है वो आपका निगेटिव होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मोशन। गति के समय जो घर्षण होता है वो कम होता है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो साइकिल बहुत तेज चलती है, जितना तेज पेंडल मारते हैं तो साइकिल उतना तेज जाती है। उस समय गति की अवस्था में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। जैसे कोई गाड़ी है, अगर किसी गाड़ी को आप बहुत तेज चला रहे हैं हाईवे वगैरह पे, तो उस कंडीशन में जो रोड का जो कॉन्टेक्ट है और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो मोशन के समय जो फ्रिक्शन होता है बहुत कम होता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को आप समझ गए हैं। तो अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो पहले प्रकार को हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे गति घर्षण। यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको बाद में समझाएंगे, स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण के बीच में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब आपको हम स्थैतिक घर्षण बता लेंगे और गति घर्षण बता लेंगे तो बताएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो पहले समझते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण कहाँ कार्य करता है, रुके हुए वस्तु पर लगता है। कैसे, जैसे हम खड़े होकर यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पैर के बीच में और पृथ्वी के बीच में जो फ्रिक्शंस है, जो घर्षण है, वो स्टैटिक घर्षण है, क्योंकि यह हमेशा किस वस्तु पर लगता है, रुकी हुई वस्तु पर लगता है। जैसे कोई ट्रक है वो खड़ा है, तो उस समय जो उस पर फ्रिक्शंस है, कौन सा फ्रिक्शंस है, स्थैतिक घर्षण है, स्टैटिक फ्रिक्शंस है। तो अब हम आगे आपको बताएंगे गति घर्षण। देखिए, गति घर्षण में क्या होगा कि गति की अवस्था में जो घर्षण लगेगा, जैसे कोई वस्तु गतिशील है, उस समय अगर उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं गति घर्षण। लेकिन गति घर्षण दो प्रकार का होता है, एक होता है सर्पिल घर्षण और दूसरा होता है लोटनी। सर्पिल को स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लोटनी को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब हम आपको समझाएंगे सर्पिल फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, यह धरातल पर सरकती हुई वस्तु पे लगता है, जैसे कोई वस्तु सरक रही है तो उसके बीच में जो घर्षण लगेगा उसको बोलेंगे सर्पिल घर्षण। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, इसको देहाती भाषा में समझते हैं, जैसे कोई आप बोरी लिए हुए, बोरी वजनदार है, आप उसको सर पे नहीं उठा रहे, तो दोनों तरफ से पकड़ के आप बोरी को ऐसे खींचेंगे, तो बोरी का जो
कॉन्टेक्ट है नीचे वाला, वो जमीन से सरकते हुए जा रहा है, या किसी छोटे बच्चे को पैर पकड़ के आप खींच रहे हैं जमीन पे, तो उस घर्षण को क्या बोलेंगे, उसके बल उसके बीच जो घर्षण लगेगा उसको बोलेंगे सर्पिल घर्षण। तो सर्पिल घर्षण समझ में आ गया। अब देखिए जैसे पानी की जहाज है, तो पानी की जहाज देखिए पानी पे क्या करती है, स्लाइडिंग करती है, तो उसके कॉन्टेक्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे लोटनिक फ्रिक्शन की। लोटनिक फ्रिक्शन क्या होता है कि यह सतह पर लुढ़कता हुआ चलता है। लुढ़कते हुए चलने का मतलब ये समझते हैं, जैसे देखिए कोई ट्रेन अगर वो रेल पे चल रही है तो उसका जो चक्का है ट्रेन पर लुढ़कते हुए चलता है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है लोटनिक फ्रिक्शन। क्या होता है, लोटनिक फ्रिक्शन। यह फ्रिक्शन बहुत कम होता है। कैसे, अरे फ्रिक्शन कम रहेगा तभी तो ट्रेन बहुत तेज चलती है। देखिए दोनों स्मूथ सतह है, ट्रेन का चक्का और रेल, रेल जिस पे ट्रेन चलती है तो उसका जो सतह है बहुत स्मूथ है, उसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, लोटनिक घर्षण होता है, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इन दोनों फ्रिक्शन को आप समझ गए। अब देखिए स्थायित्व घर्षण और गति घर्षण के बीच में एक आता है सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी समझे, एक सेकंड तक होता है लगभग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम समझेंगे, इसका जो मेन रोल है स्थैतिक और गति के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत भारी भरकम वस्तु है, इस पे आप बाहर से कोई बल लगा रहे हो, उसको गतिशील कर रहे हो, लेकिन आप इतना गतिशील उसको करना चाह रहे हो कि वस्तु चल जाए, तो वस्तु भी आपके ऊपर एक अपोजिट दिशा में बल लगाएगी, कहेगी हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक समय आप उसमें ऐसा बल लगा लेंगे कि उस वस्तु से ज्यादा हो जाए, एक क्षण के लिए वह वस्तु कहे कि अब हमको यह चला देगा, तो उसी क्षण को बोलते हैं सीमांत घर्षण। उस बीच से जैसे ही वस्तु आगे बढ़ती है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण, यह होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लगभग एक सेकेंड के लगता है। जैसे ऐसे समझिए एक डोरी लीजिए, एक रबड़ लीजिए, इस रबड़ को मैं समझा रहा हूँ आपको, रबड़ को खींचिए, एक समय रबड़ की एक ऐसी अवस्था आएगी कि रबड़ टूट जाएगा, एक लिमिट को पार कर जाएगा, उस समय जो आपका घर्षण होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात को समझिएगा, उस समय जो घर्षण होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उम्मीद करते हैं स्थैतिक घर्षण, लिमिट फ्रिक्शन और आपको गति घर्षण समझ में आ गया होगा, सर्पिल क्या होता है, लोटनिक क्या होता है। अब देखिए इसी क्रम को हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है, तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में सर्पिल, उसके बाद में लोटनिक, सबसे कम किसमें होता है लोटनिक फ्रिक्शन, के बाद सर्पिल में और उसके बाद स्थैतिक में। तो ये ऑर्डर भी याद रखिएगा, लोटनिक में जैसे ट्रेन का पहिया है, सर्पिल में जैसे पानी की जहाज है, और इसमें कोई वस्तु अगर खड़ी है स्थिर अवस्था में है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर ये समझिए अगर कोई किसी वस्तु को अगर खड़ा उसको गतिशील अवस्था में लाना है तो थोड़ा सा उसमें आपको फोर्स देने की जरूरत है, वायबल देने की आवश्यकता है। तो जैसे ही वस्तु अगर मोशन अवस्था में आ जाए तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते थे, इधर वाले पॉइंट में आपको कोई समस्या नहीं है, आपको बता रहे हैं फ्रिक्शन को कम करना। तो फ्रिक्शन को कैसे कम करेंगे, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं एग्जाम में, फ्रिक्शन को कैसे हम कम करेंगे। अच्छा फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम सबसे पहले आपको समझा रहे हैं कि सर्पिल और लोटनिक फ्रिक्शन होता है, यह दोनों क्रिया किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, बाल बैरिंग में। अब ये बॉल बेयरिंग कैसी है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मैं आपको इमेज नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप ऐसे एज्यूम करें, समझिए आप बॉल बेयरिंग देखे होंगे इस तरह से होती है, इसके बीच में ऐसे छाते लगे होते हैं, ठीक, हम साइकिल वगैरह चेंज कराते हैं बैरिंग वगैरह, वही एग्जाम्पल। तो इसमें समझिए देखिए ये स्थिर पॉइंट होता है और ये आपकी छोटे छोटे बेयरिंग होती है, ठीक है, छर्रा होता है और यह छर्रा इसके ऊपर रोटेट करता है, ठीक है। तो एक तो आपका स्थिति की अवस्था में है और एक उस पर क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। तो वाल बेयरिंग जो एग्जांपल है सर्पिल और लोटनी दोनों का है, तो याद रखिएगा वाल बेयरिंग दिस इज बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, सर्पिल और लोटनी का। आगे हम बात करते हैं और कैसे आप कम करेंगे, सिन्हक के रूप में जैसे कोई पाउडर है, पाउडर भी लगाकर आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और ग्रेफाइट का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट में फ्रिक्शन को कम करने के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तेल से तेल डाल दीजिए फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ग्रीस लगाकर, आइस और कीचड़ और केला, जैसे कीचड़ के समय में बरसात हो जाती है
कीचड़ हो जाता है, आप रोड पे चलते हैं फिसल जाते हैं, तो क्या है कीचड़ से भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये सभी एग्जांपल है। अब देखिए आकार शेप पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन कम होना, कि बॉडी का आकार कैसा है, साइज है, किस साइज की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है सरफेस, सतह से। अब देखिए सतह की बात करेंगे कि सतह पर फ्रिक्शन क्या होता है। जब स्मूथ सतह रहेगी, स्मूथ सतह चिकनी सतह, तो उस पर फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथ सतह पर फ्रिक्शन कम होगा और रफ सतह पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। तो ये फ्रिक्शन टॉपिक था। उम्मीद करें फ्रिक्शन के उपयोग दैनिक जीवन में फ्रिक्शन के क्या उपयोग हैं। पहला उपयोग सोच कर आप बताइए, ऐसे इमेजिन करिए, और वेटकर लाइफ में देखते होंगे कि भाई फ्रिक्शन अगर न रहेगा तो हमारे दैनिक जीवन में क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले कि अगर घर्षण है, ठीक है, तो घर्षण के कारण हम खड़े हैं। फ्रिक्शन से अगर घर्षण नहीं होता हमारे पैर और इस जमीन के कांटेक्ट में, तो हम फिसल जाते, ठीक है। और घर्षण के ही उपस्थिति में हम इस बोर्ड पे लिख पा रहे हैं और चला पाते हैं। इसके कारण अगर इस बोर्ड पे हम पानी छिड़क दें, ग्रीस लगा दें, तेल लगा दें, तो इस पे हमारा मार्कर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग थे। और चल पाते हैं हम, घर्षण के कारण हम किसी सीढ़ी को दीवार से खड़ा भी कर पाते हैं। तो ये घर्षण के क्या है उपयोग है, और भी उपयोग आप सोचिएगा और कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं हम सभी पॉइंट को बता दिए हैं और सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये शॉर्ट नोट्स है, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो घर्षण के जितने पॉइंट बनेंगे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।